अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक गेस्ट है, उनका नाम है फैसल मकसूद साहब। ही हैज़ 14 इयर्स ओवरऑल एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और ये हैं आज हमारे साथ इस एपिसोड में बिकॉज ही इज़ द सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ LED TV इन हायर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक, शुक्रिया। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और मुझे बताइए समथिंग अबाउट योर LED TV। हायर LED TV की अगर हम बात करें तो हम तमाम प्रोडक्ट्स को अब लोकलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे हम बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी होम अप्लाइंसेस, तो टीवी में भी हम लोकलाइजेशन का बेनिफिट क्या है कि जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्रोडक्ट हैं हम वो कर रहे हैं, उसमें बेसिक TV भी हैं, स्मार्ट TV भी हैं, अब 4K स्मार्ट TV भी आ गए हैं, तो दैट इज़ ऑल बिलोंग्स टू लोकलाइजेशन कि जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं हम उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान का। व्हाट इज़ अ 4K स्मार्ट TV? 4K स्मार्ट TV बेसिकली आप रेजोल्यूशन कह लेंगे, जैसे कस्टमर की डिमांड है, अगर हम मीडिया की अगर हम बात करें तो जैसे चैनल्स हैं वो भी HD के ऊपर जा रहे हैं, तो 4K क्या करते हैं कि आपके नॉर्मल LED से 4 times बेटर है रेजोल्यूशन के अंदर, तो उससे आपको क्वालिटी, अगर जो आप पिक्चर देख रहे होते हैं हायर LED TV के अंदर, तो उसको मज़ीद इन्हेंस करता है, क्लैरिटी है, नेचुरल की तरफ ज़्यादा जाता है, तो कलर की जो डेप्थनेस है वो बहुत अच्छी है TV की। बाज़ वक़्त TVs में, स्मार्ट TVs में एप्स हैंग हो जाते हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू टेल अस अबाउट दैट? उस हैंगिंग में अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ नहीं कर रही, जैसे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं बट दे आर नॉट लाइसेंस्ड, तो हायर की जो यूनिक थिंग है कि हम लाइसेंस प्रोडक्ट के साथ हैं, सर्टिफिकेशन के साथ हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो दैट इज़ पेड हैं, बेसिकली पेड लाइसेंस है, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब TV अपग्रेड हो रहा होता है तो उसी के साथ जो हमारी ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपअप अपग्रेडेशन होती हैं, जैसे मोबाइल में आपको एक मैसेज आता है कि आप अपने मोबाइल को अपग्रेड कर लें, तो सेम हायर हैज़ द लाइसेंस, तो जस्ट ड्यू टू दिस गूगल लाइसेंस वर्जन हमारी सारी जो ऐप्स हैं उसमें कोई हैंगिंग नहीं आएगी, वो टाइम बाई टाइम अपग्रेड होती रहेंगी और आप हैसल फ्री अपनी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट टू नो। अच्छा जी, क्योंकि ये कुकिंग शो है, कुकिंग भी हमें करनी है, मैंने स्पगेटी बॉईल कर दी थी, हम सालसा फिश स्पगेटी आज बनाएंगे और हम हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन में एक बहुत ही मज़ेदार सा लेमन पुडिंग बनाएंगे। उसके लिए मुझे सबसे पहले लेमन कर्ड बनाना है टू सर्व इट विद दैट, सो हम वो करेंगे पहले, सो चलते हैं किचन की तरफ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज माइक्रोवेव लेमन पुडिंग, उसको हम सर्व करेंगे लेमन कर्ड के साथ। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया है एक पैन में और इसके ऊपर हम एक बोल रखेंगे जो पानी में टच ना करे, ठीक है? और यहाँ मेरे पास है 3 अदद अंडे, ये हम डबल बॉयलर में बनाएंगे ताकि अंडे स्क्रैम्बल ना हो। तीन अदद अंडे आपने डाल दिए, फिर आपने इसमें 1/2 कप जितनी पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली और इसमें आप डालेंगे 1/4 कप जितना मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला। आपको कुकिंग का शौक है? बस थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा तो नहीं, खाने का बहुत शौक है। खाने का बहुत शौक है, ओके। अच्छा, अब इसमें हम इसको हम उबाल आने देंगे, ठीक है? फिर मेरे पास यहाँ काफ़ी सारे लेमन्स हैं, उसको मैं स्क्वीज़ करके लेमन जूस डालना चाह रही हूँ टू मेक इट नाइस एंड टैंगी। ये तो जो आप कह रही हैं मेरे तो अभी मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अच्छा जी, अभी तो अभी बनाते हैं। बहुत सारे लेमन्स को स्क्वीज़ करना पड़ेगा टू गेट अबाउट 1/2 कप ऑफ लेमन जूस, जब तक ये अंडे यहाँ इसके साथ पकते रहेंगे। इट मीन्स कुकिंग को इतना ईजी भी नहीं है। आपको किसी चीज़ का शौक है तो इट्स नॉट अ चॉर, इट्स नॉट अ जॉब, तो बेसिकली ये मेरा पैशन था जो प्रोफेशन में टर्न हो गया, ये इसलिए ईजी है आपके लिए। जी, बट कुकिंग एंड बेकिंग इज़ फन, एक्चुअली बेकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, मुझे बहुत अच्छा। मेरी वाइफ को भी बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक है, वो भी बहुत प्रोग्राम आपके देखती हैं और जो समटाइम आप बना रही होती कोशिश करती है कि नेक्स्ट डे वो भी मुझे बना जी दे। बहुत सारे लोग बनाते हैं हमारे साथ साथ बनाते हैं, अभी मैं घर पहुंची नहीं होती हूं और तस्वीरें भी आ जाती हैं कि लोगों ने अपडेट कर दिए होता है, अपने पेजेस पे अपलोड कर दी होती हैं पिक्चर्स। तो इस तरह आपने बार बार इसको बीच में स्टर करना है। लेमन कर्ड एक दफ़ा बनाना आप सीख लेंगे तो फिर आप हर लेमन के डिज़र्ट के साथ लेमन कर्ड को ही सर्व करेंगे। आप इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आई वॉन्टेड टू टीच यू इन दिस शो हाउ टू मेक लेमन कर्ड, और ये भी डबल बॉयलर पे ताकि अंडे स्क्रैम्बल ना हो। कुकिंग तो हम सभी करते हैं, बेकिंग में ये है कि कुछ लोगों को बेकिंग थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज बेकिंग इज़ अ साइंस, तो यू नो अगर आपके पास सारे अज्जा हों, आप हर चीज़ मेजर करके कर रहे हैं, तो बेकिंग इज़ ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट।
और उसके इक्विपमेंट्स भी पूरे हों जो एक इक्विप हैं लाइक बिल्ट इन ओवन है या व्हाटएवर कैसी चीज़ जी बिल्कुल तो हायर है ना, बहुत जरूरी है हायर है और उसके लिए हायर है जी बिल्कुल। ऑल दी अप्लायंसेस कितनी सारी चीज़ें हैं फॉर योर होम फॉर योर किचन। चलिए ये काफ़ी सारे लेमन्स हो गए, अब थोड़ी देर के लिए इसको पकने दीजिए। अब देखें कितना पतला है ये, आप सोचेंगे ये कैसे बनेगा, अंडे हैं चीनी है लेमन जूस है और मक्खन है बस। अब इसको हम छोड़ देंगे डबल बॉयलर पे, खुद ब खुद पक जाएगा गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसको हम छन्नी के थ्रू छान लेंगे और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अंडे इससे स्क्रैम्बल नहीं होंगे, वरना अगर मैं डायरेक्टली इसको बना देती इन अ पैन तो फिर अंडे स्क्रैम्बल होने का खदशा था। सो अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके जी, तो जब तक हमारा लेमन कर्ड यहाँ बन रहा है आई जस्ट शो यू, अभी बहुत पतला है ठीक है, ये देखें बहुत पतला है ये, इसको गाढ़ा होना है। तो जब तक ये पकता रहेगा ऑन आर डबल बॉयलर, मैं शुरू कर देती हूँ आर माइक्रोवेव लेमन पुडिंग ठीक है। हम हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव में बनाएंगे इसको। सो क्या क्या चीज़ें हैं, मक्खन है, फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, पिसी हुई चीनी यूज़ करिएगा, और ये इतना झटपट डिज़र्ट है थैंक्स टू हायर टेक्नोलॉजी। अंडे हैं दो अदद, एवरीथिंग मिक्स एंड पुट टू बेक, मैदा और बेकिंग पाउडर, ठीक है, और वेनिला एसेंस, दैट्स इट, मिक्स। भूख की शिद्दत बढ़ती जा रही है। अच्छा, इंतजार करें इंतजार करें। अच्छा जी, अब मैं जरा यहाँ से एक्स्ट्रा चीजें हटा लूँ। रैमेकिंस मैं यूज कर रही हूँ कांच के, आप किसी भी चीज में इसको बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में तो झटपट जल्दी से हो जाएगा। ब्रश लेंगे, आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा सा चंद कतरे लेमन जूस के डालिए। वैसे तो मैं इसको सर्व करूँगी विथ लेमन कर्ड तो टेस्ट आ जाएगा लेमन का, लेकिन जस्ट अबाउट टीस्पून जितना आप इसमें भी लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। ओके, अब आई वॉन्ट टू रिमूव द एक्सेस जो यहाँ बीटर में रह जाता है। आप ये सीख के बनाएंगे ना फिर? कोशिश तो करूंगा इस बार। आई होप सो। जितना मैंने सीख लिया बनाना मेरा भी बनता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये OLED टेक्नोलॉजी क्या है? OLED बेसिकली जैसे हम अभी जो नॉर्मल टीवी यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड LED टीवी। ओके। जो OLED है दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक तो इसमें क्या है? ऑर्गेनिकली क्या है कि जो हम इसमें रेजोल्यूशन या जो आपको पिक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, जो वो टीवी के लिए यूज करते हैं, जो आप टीवी को देखेंगे, दैट इज क्वाइटली और इंटायरली यू कैन से द डिफरेंट एज कम्पेयर टू LED टीवी। मतलब उसमें मोर नेचुरल होगा, ज्यादा हार्मफुल नहीं होगी, कलर की जो डेप्थनेस है या ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो जो यूज़र बेनिफिट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये थिन भी है, स्लिम स्मार्ट भी है, पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो लाइट्स को जो है ना वो ब्राइट करता है पिक्चर को। Okay. तो जो भी लेट्स सपोज जैसे आप कुकिंग शो देख रहे हैं तो समटाइम क्या होता है कि टीवी के अंदर एंगल से देखें तो कोई कॉर्नर है या कोई डेप्थ जो चीज़ रह जाती है जो आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं देख पाते। Okay. या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो जो OLED है वो उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करके दिखाता है। Okay. तो उसमें साउंड क्वालिटी, उसकी पिक्चर, दैट इज यू कैन मोर देन बेटर देन द नॉर्मल टीवी। ओके, गुड टू नो। चलिए आप इसको ग्रीस किए हुए रैमेकिंस में रख दीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़िएगा, पूरा पूरा नहीं भर दीजिएगा बिकॉज इसको राइज होने की भी हमें जगह देनी है। ये बेसिकली प्लेन केक मैं बना रही हूँ और इसको हम सर्व करेंगे लेमन कर्ड के साथ। आप इसमें लेमन एसेंस डाल सकते हैं, पीला रंग डाल सकते हैं, मैंने वेनिला एसेंस डाला हुआ है और ये झटपट बन जाएगा हमारे हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन में अभी। मेरे बच्चों को बल्कि जो प्लेन केक है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, लाइक मेरे बेटे मोहम्मद फसी तो उसको बहुत ज़्यादा है कि मुझे प्लेन केक चाहिए, जैसे नट्स वाले कुछ होते हैं जी।
तो ही डोंट लाइक, बट प्लेन केक उसकी बहुत फेवरेट है जी। बस तो फिर आप नोट कर लीजिए और बनाइएगा। और बच्चों को चॉकलेट वगैरह मुझे बहुत पता है कि पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है चॉकलेट। इसमें आप चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए। ऑलराइट, 2 रैमेकिंस गोइंग इन। इसको P100 पे करूंगी, ठीक है? 2 मिनट पहले। ओके जी, जब तक यहाँ हमारा लेमन कर्ड थिक हो रहा है, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स आपको लगेंगे, ठीक है? अच्छा, ये होने दें, यहाँ क्लीन अप करेंगे। यहाँ जो रेसिपी है फिश सालसा स्पगेटी की, सालसा इज़ बेसिकली लाइक अ कचुम्बर विच इज़ अ बिट स्पाइसी, तो इसको हमें बस मिक्स करना है। स्पगेटी मैंने बॉयल कर दी है, तो ये मिक्सिंग का पार्ट हम इनसे कराएंगे, कुछ तो काम करेंगे ना ये हमारे शो पे, ठीक है? सो वील डू दैट, वील डू ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। ओके जी, वेलकम बैक। अब हम फैसल साहब से ये सालसा फिश स्पगेटी मिक्स करवाएंगे, सो प्लीज सारी चीजें मिक्स कर दीजिए। जैतून है, ये तुलसी है जो हमने चॉप कर दिया है, लाल वाली मिर्चें हैं, फ्रेश रेड चिलीज, तीखा होता है सालसा, और ये ऑरिगैनो है, थोड़ा सा डालिएगा बस बस बस। टमाटर हैं चॉप किए हुए, लेमन जूस जाएगा, नमक और प्याज। ये मैंने प्रूफ ले लिया है कि आप घर में अब काम करेंगे। Sure. एक काम में और इजाफा कर दिया जी, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस। Yes, that's it. और अब लेमन स्क्वीज कर दीजिए, फिर हम जो बॉईल की हुई स्पगेटी थी वो डालेंगे, और उसके साथ फिर हम ट्यूना मछली, सामन मछली, जो भी मछली आपके पास हो, सार्डिन्स हो, कुछ भी हो, वो आप डालिए। ये जो आप बना रही हैं फिश, मेरी बेटी अलीहा को बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा है। अच्छा, she really likes this. Fresh fish नहीं मिले तो you can do with ट्यूना मछली का जो टिन होता है वो। ये आपका सालसा हो गया, वो आपकी स्पगेटी आ जाएगी, एंड देन द फिश। और यहाँ आप देखेंगे तो ये लेमन कर्ड हो चुका है, ठीक है? लेमन पुडिंग्स मैंने माइक्रोवेव में से, हायर के बिल्टन माइक्रोवेव में से निकाल दिए थे। ऑल यू नीड टू डू इज पॉर दिस लवली सॉस ऑन टॉप, बस दैट्स इट। अब इसके बाद हम फिश डालेंगे जी। जी जी बिल्कुल डाल दीजिए। ये बिल्कुल इसी तरह पूछना पड़ रहा है जैसे घर में पूछना पड़ता है। एंड देन द स्पगेटी, बस। और फिर आप इसको चिल करिए, स्पगेटी भी डाल दीजिए, फिर इसको चिल करिए। देखिए पूरी डिश मैंने बनाई, बिल्कुल कुछ ना कुछ मैंने कर दिया। ओके okay जी, अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, और इसको फिर हम रख देंगे एक अच्छे से प्लेटर पे। इसको आप चिल करिए और एंजॉय करिए। तुलसी के पत्ते जरूर डालिएगा, बिकॉज तुलसी के पत्तों से बहुत अच्छा उसका एक टेस्ट आता है बेजल से, ठीक है जी? डन। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जो हमारे पुडिंग्स हैं वो मुझे, ये लेमन कर्ड है विच विल गो ऑन टॉप। लेमन देखा आपने, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करिएगा और हमें भी फीडबैक दीजिएगा, कवर कर दीजिएगा पूरे पुडिंग्स को, ठीक है? गरम गरम आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको गरम भी दिया जा सकता है? जी, गरम पुडिंग है ये। ये हमारा प्लेटर आ गया, अब ज़रा अच्छी तरह इसको हम टॉस कर दें और निकाल देते हैं। क्या घर में तो बच्चों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती होगी आपके तो? वेल, मेरे बड़े बेटे को शौक है खाना पकाने का और खाने का, छोटे को ना शौक है खाने का ना पकाने का, सो आपके लिए तो सारी चीजें इजी है ना, तो बच्चे ज्यादा फरमाइश ज्यादा करते होंगे। वेल, इजी लगता है। अच्छा जी, ये बताइए फैसल साहब, ये हायर मैट्रिक्स क्या है?
हायर मैट्रिक्स बेसिकली हायर की एक पेटेंट ऐप है जो हायर ने प्रोवाइड की है। उसका बेनिफिट क्या है कि जितनी अप्लाइंसेज हैं, आपको पता है कि सब चीज़ें स्मार्ट होती जा रही हैं, वो आपका वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, कुकिंग है, सेम इसी तरह टीवी है। तो मैट्रिक्स क्या करता है कि वो सारी जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसको वन ऐप में लेकर आता है। ओके। उस सब ऐप का बेनिफिट क्या है कि आप वन टच सॉल्यूशन के साथ उन तमाम चीज़ों को घर में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ना कि बल्कि ये जो बल्कि आपको जो सिक्योरिटी कैमराज हैं या कोई लोकल एप्लीकेशन हैं, वो सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर मौजूद हैं। मीन्स कि अगर आपकी ट्रांसमिशन नहीं आ रही या आपकी केबल चली गई है, तो आप हायर मैट्रिक्स के थ्रू, जैसे आपका मसाला चैनल है ये भी हम देख रहे हैं, तो आप उस ऐप के थ्रू उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। मतलब आप यूँ कह लें कि इवन कोई भी चीज़ ट्रांसमिशन नहीं है तो वो ऐप आपको बेनिफिट देगा। बाकी आप ऑनलाइन बाइंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वन ऐप के अंदर मौजूद हैं विद वन टच। फ़िश के प्लेटर में फ़िश की सालसा, फ़िश स्पगेटी रेडी है, ये हमारे पुडिंग्स रेडी हैं। आइए बैठिए प्लीज़। सो आई होप यू एंजॉय द शो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, और टीवी में देखने में कुछ और होता है, बट लाइव का वाकई एक अपने ही चाव में जो मैंने आज एंजॉय किया। थैंक यू, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके जी, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। माइक्रोवेव लेमन पुडिंग, अज्जा, कास्टर शुगर 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, लेमन कर्ड 4 खाने के चमचे, आइसक्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब, एक बोल में चीनी, मक्खन, मैदा, लेमन जेस्ट और वनीला मिक्स करके नर्म कर लें। अब इसे माइक्रोवेव में 3 मिनट रखें। आखिर में इस पर लेमन कर्ड डालें और आइसक्रीम के साथ सर्व कर दें। सालसा फिश स्पैकेटी, अज्जा, स्पैकेटी 100 ग्राम, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, काले जैतून 2 खाने के चमचे, बारीक कटी लाल मिर्च 1 अदद, लीमू का रस आधे लीमू का, रेशा किए हुए बेजल लीव्स 4 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 1 केन। तरकीब, स्पैकेटी को नमकीन गर्म पानी में थोड़े से तेल के साथ उबाल लें, फिर इसे ठंडे पानी में छान लें। अब बारीक कटे टमाटरों को बारीक कटी प्याज, काले जैतून, बारीक कटी लाल मिर्च, आधे लीमू का रस, रेशा किए हुए बेजल लीव्स और ओरिगानो के साथ मिलाएं। अब पास्ता को टमाटर वाले अमेजे के साथ टोस्ट कर लें। अब इस पर लीमू का रस, काली मिर्च और थोड़ा सा केन का तेल डाल दें। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। और फैसल साहब, मुझे ये बताइए ज़रा वारंटी के बारे में, बताइए आपके अप्लायंसेस की। हायर की अगर हम वारंटी की बात करें तो ओवरऑल हायर की सर्विसेज अगर हम कंपेयर करें बाकी कंपेटिटर के साथ, तो बड़ी डिफरेंट है। और अगर हम इसके रिस्पांस टाइम की बात करें, अगर हम एलईडी के अंदर भी देखें, तो हम 2 ईयर की वारंटी देते हैं, दैट इज़ फॉर पैनल एंड पार्ट्स एज वेल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम विद इन 24 आवर्स, जो हमारा सिटी है उसमें हमने रिस्पांस टाइम देना होता है, तो विद इन 24 आवर्स हमारी कोशिश होती है कि हम कस्टमर को उसको रिस्पांस दें। हाँ, जो स्मॉल टाउन है, जो थोड़े से स्कैटर्ड हैं, आउटसाइड हैं, उनके लिए 48 आवर्स रखे हुए हमने। अच्छा, अभी हमने एक और एड ऑन एक चीज़ की है कि अगर आप हमसे हायर एलईडी टीवी बाय करते हैं किसी भी जगह से, तो उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी हम आपको देंगे थ्रू आवर जो हमारे प्रोफेशनल इंस्टॉलर हैं, वो उसको इंस्टॉल करके देंगे। तो आप 43 इंचेस से ऑनवर्ड कोई भी यूनिट आप बाय करते हैं तो इसमें भी हम हायर करेगा। और ये वो ऐसे यूनिक सर्विसेज हैं जो आपको बाकी किसी भी और जगह से आपको नहीं मिलेंगे। ओके, दैट्स गुड टू नो, दैट्स गुड टू नो। आज के इस एपिसोड में हमने सालसा फिश स्पगेटी बनाई थी, इन्होंने बनाई थी और मिक्सिंग रेसिपी है, ठंडा चिल करके आप इन्जॉय कर सकते हैं। सैलड को एज अ साइड डिश भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें कोई ड्रेसिंग इसमें डालना तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसमें मिक्स कर दीजिएगा, अदरवाइज इट्स फाइन। ठीक है जी, और मैंने हायर के माइक्रोवेव अवन में, बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन जो है हमारा, उसमें ये झटपट 2.5 मिनट में मैंने ये बना लिया था लेमन पुडिंग। इसी तरह आप प्लेन केक बनाइए। अगर आपको चॉकलेट केक, बच्चों को नॉर्मली चॉकलेट केक बहुत अच्छा लगता है, तो इसी बैटर में आप 1 चम्मच कोको पाउडर का छान के डाल दीजिएगा, तो ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक हो जाएगा। फिर चॉकलेट सिरप डाल के, क्रीम डाल के, आइसक्रीम के साथ आप बच्चों को फौरन सर्व कर सकते हैं। ये पुडिंग्स जो हैं ये आप गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आप आए, बहुत मज़ा आया आपके साथ कुकिंग में, बातों में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब दीजिए हमें इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।